Welcome back to Digital Classroom. In the last lecture, we discussed about the heart and heart diseases. हमने last lecture में blood circulation के बारे में study किया, heart की activity के बारे में study किया और उस पर होने वाली diseases के बारे में study किया. Now today, we are going to start excretory product and their elimination. तो heading डाल दीजिए, excretory product and their elimination. Excretory product and its elimination. All right. So let us understand about the excretory product. The excretory product are those product which is made by the मेटाबॉलिक एक्टिविटी. जब भी हम कुछ खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैटी एलिमेंट्स है, उनके डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है और ख़ास तौर से जो प्रोटीन के डाइजेशन से नाइट्रोजिनस हार्मफुल एलिमेंट रिलीज होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. So, in our body, there are different type of organs जो eliminate करते हैं different type के harmful product को, जिसमें kidney भी one of them है, right? In the animal kingdom, different type of waste products of protein metabolisms are takes place. तो depending on the excretory product, the organism कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग टाइप्स. अगर देखा जाए तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं जो कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से तैयार होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट द ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग फोर टाइप्स. कौन कौन से? ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. Excretory product. इनको हमने चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया है. फर्स्ट वन इज, फर्स्ट एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है अमीनोटेरिक. दैट मीन्स अमीनो एसिड्स एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसका रिलीज करते हैं? एमिनो एसिड का. तो दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन विच इज एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. फॉर एग्जाम्पल इन वर्टिब्रेट्स, मोलस्कंस जिसमें यूनियो आते हैं, कुछ अदर एनिमल्स जैसे कि इकाइनोडर्मेट्स आते हैं, एसेरियासिस, ये सभी एक्सेस अमाउंट में जो एमिनो एसिड है उसका एक्सक्रीशन करते हैं और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एमिनोटेलिज्म. तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं मोलस्कंस और इकाइनोडर्मेट और इसमें एमिनो एसिड का एक्सक्रीशन होता है. एमिनो एसिड्स सो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एमिनोटेलिज्म. दे आर ऑल्सो नोन एज एमिनोटेलिज्म. ठीक है, क्योंकि इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? एमिनो एसिड्स होता है. नेक्स्ट आता है अमोनोटेलिक. अमोनोटेलिक का मतलब यह है कि जो एनिमल प्रोटीन के डाइजेशन के बाद जो नाइट्रोजिनस एलिमेंट है अमोनिया, उसका एक्सक्रीशन करते हैं
उसको हम कहते हैं एमोनोटिलिक। नेक्स्ट है अमोनोटेलिक। यहां पर जो मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वह है अमोनिया। यहां पर लिख देता हूं ऊपर ही अमोनिया। ठीक है, सो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म्स वो होते हैं जो ज्यादातर एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, जैसे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और फ्रेश वाटर लिविंग फिशेस, एम्फीबियन, टैडपोल्स, इवन टर्टल्स, ये सभी एक्सक्रीट क्या करते हैं? अमोनिया का। और अमोनिया इज़ ए हाईली टॉक्सिक एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और इसका एक्सक्रीशन फास्ट हो जाता है और इसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, सो लिख लीजिए इसके एग्जाम्पल, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, नेक्स्ट फिशेस, ठीक है, फिशेस के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, टर्टल्स, टर्टल्स, ये सभी अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, फिशेस, टर्टल्स एटसेट्रा, टैडपोल, लार्वा, ये सभी क्या करते हैं? अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। क्योंकि ये सभी अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं और अमोनिया काफ़ी टॉक्सिक एलिमेंट भी है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहते हैं, अमोनोटेलिज्म। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट आता है यूरियोटेलिक, दैट मींस यूरिया सिक्रीट एक्सक्रीट एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम अमोनिया के बाद दूसरा कंडीशन आता है यूरिया, यूरिया भी एक टॉक्सिक एलिमेंट है, हालांकि वो इतना टॉक्सिक नहीं है जितना अमोनिया होता है, और ये आसानी से वाटर में घुलनशील भी है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस एलिमेंट को यूरिया में कन्वर्ट कर देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ासतौर से वो एनिमल्स जो लैंड कंडीशन में पाए जाते हैं, उनमें अमोनिया की जगह जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया बनता है, और यूरिया को वाटर के साथ मिक्स करके आसानी से बॉडी से बाहर किया जा सकता है। ठीक है, और इसकी टॉक्सिसिटी भी लेस होती है अमोनिया के कंपेरिजन में। तो लिख लीजिए यूरिकोटेलिक, टेलिक, ये किसी कंडीशन है जिसमें जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिया। ठीक है, नाउ इसका एक्सक्रीशन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? ठीक है, तो मेनी लैंड वर्टिब्रेट्स जो जमीन पर पाए जाने वाले, खास तौर से अगर मैंने अभी आपको बताया एम्फीबियन, एम्फीबियन में टैडपोल कंडीशन में तो ये अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यूरिया का, दैट मीन्स यूरिया का एक्सक्रीशन भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है और एक तरह का एवोल्यूशन भी है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो
एक्सक्रीशन करते हैं यूरिया का। ऑलराइट, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। लिख लीजिए, टेरेस्ट्रियल मैमल्स। नेक्स्ट एग्जांपल, एडल्ट एम्फीबियन एडल्ट एम्फीबियंस, ठीक है, दे आर कम्स अंडर द यूरियोटिलिक एंड इवन एक्वेटिक एनिमल्स व्हिच कैन अफोर्ड टू लूज मच वाटर, जैसे एलास्मो ब्रांच फिशेस है, ठीक है, कुछ मेराइन बोनी फिशेस हैं, अर्थवर्म्स हैं, ये सभी किस में आ जाते हैं, यूरिकोटिलिक में। तो लिख लीजिए, मेराइन फिशेस, फिशेस, मेराइन बोनी फिशेस प्लस अर्थवर्म अर्थवर्म नीमेटोड्स, ये सभी आ जाते हैं यूरिकोटेलिक में, और जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं उनको हम कहते हैं यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरिया के बाद आता है यूरिकोटेलिक, ठीक है, जो बेसिकली यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। इसमें यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किया जाता है। सो द एनिमल्स व्हिच इज लिविंग इन ड्राई कंडीशंस, या फिर वो ज्यादा एरिड कंडीशन में रहते हैं, सच एज अ लैंड गैस्ट्रोपोड्स, जैसे कि स्नेल्स है, कुछ इंसेक्ट्स है, ज्यादातर इंसेक्ट मतलब लैंड में रहने वाले जो रेप्टिलियंस हैं, स्नेक है, लिजार्ड है, बर्ड्स हैं, कंगारू रैट जो बहुत ही कम वाटर का इस्तेमाल करते हैं लाइफ में, इन सभी में जो मेन एक्सक्रीटी सब्सटेंस है वो है यूरिक एसिड, ठीक है। सो दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे सिंथेसाइज क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम अमोनिया for the formation of uric acid. So uric acids are non-toxic. Uric acid के जो crystals बनते हैं उनमें toxicity नहीं पाई जाती, but ये water में पूरी तरह से insoluble होते हैं, water में घुलनशील नहीं होते, hence these can be retained in the body as a considerable time before being discharged, क्योंकि यूरिक एसिड नॉन टॉक्सिक एलिमेंट है और इससे बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए इसको लंबे समय तक बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड इज द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट व्हिच इज डिस्चार्ज इन द सॉलिड फॉर्म, ये ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में ही डिस्चार्ज होती है, और इसके एग्जाम्पल काफ़ी पॉपुलर जैसे कंगारू रैट है। कंगारू रैट किस में आता है? मैमल्स में आता है। कंगारू रैट बर्ड्स, ज्यादातर जितने भी बर्ड्स हैं इन सब में भी यूरिक एसिड का सिक्रीशन एक्सक्रीशन होता है,
प्लस स्नेक है, लिजार्ड है, लिजार्ड जो कि रेप्टिलियंस में आते हैं, इनमें प्लस स्नेल्स हैं, ज़्यादातर जितने भी इंसेक्ट हैं, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंसेक्ट जो कि आर्थ्रोपोडा से आते हैं, इंसेक्टा से, तो इन सभी में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन पाया जाता है, ठीक है। और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कहलाता है यूरिकोटेलिज्म। इसमें दो और खास बातें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, यूरिक एसिड नॉन टॉक्सिक है, प्लस ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, नॉन टॉक्सिक की वजह से इसको हम लंबे समय तक बॉडी में स्टोर भी कर सकते हैं, इससे कोई हार्म नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ एक्सक्रीटी प्रोडक्ट इन द ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। हेडिंग डाल दीजिए, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है। इन द केस ऑफ ह्यूमन और मैमेलियन, द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। ह्यूमन बॉडी में जो किडनी है वो पेयर्स में पाई जाती है, दो होते हैं, यूरेटर वो भी पेयर्स में पाए जाते हैं, और एक यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, प्लस एक ही यूरेथ्रा पाया जाता है, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए किडनी, और लुक एट द शेप साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। The kidney are dark red and a bean-shaped organs and which is about 10 to 12 centimeter long, 5 to 7 centimeter is wide and 2 to 3 centimeter in the thickness. तो अगर देखा जाए पूरा dimension, तो ये करीब 10 से 12 centimeter लंबे होते हैं, 5 से 7 centimeter जितने चौड़े होते हैं, और 2 से 3 centimeter जितनी इनकी thickness पाई जाती है। और इनका color कैसा होता है, ये डार्क रेड कलर में दिखाई देते हैं, और इनका शेप होता है बीन शेप्ड। ऑलराइट, सो लेट अस मेक अ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन किडनी। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, यहां से दिखाते हैं कि रीनल आर्टरी और वेन्स निकलते हैं, डिफरेंट कलर में शो कर देते हैं। रीनल वेन्स एंड रीनल आर्टरी, राइट। ओके, इट इज अ किडनी शेप्ड एंड इट इज अ मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि अल्टीमेटली किडनी के थ्रू ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा और उभरा होता है,
ओके नाउ दिस इज, यहाँ पर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, यहाँ पर ही मैं बना देता हूँ। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ऑलराइट, एंड दिस इज अ किडनी जिस, और यहां पर जो एंटर कर रहा है रेड कलर में, इसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी, जिसे जिसमें से होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये है वेन, रीनल वेन, वेन, रीनल वेन के बाद नेक्स्ट आता है ये हिस्सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर जाता है, ये पूरा हिस्सा किडनी कहलाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, इसको हम पूरे को क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। और किडनी पेयर्स में पाए जाते हैं, मैंने एक बनाया है ऐसा ही, दूसरा इस साइड पाया जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नाउ लुक एट द डायमेंशंस, द किडनी इज ऑलमोस्ट 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 टू 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ पाई जाती है, एंड इसका विड्थ कितना होता है, 5 टू 7 सेंटीमीटर, 5 टू 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ यानी चौड़ाई पाई जाती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या पाई जाती है, थिकनेस, 2 टू 3 सेंटीमीटर इज द थिकनेस। ऑलराइट, अगर हम इसका वजन देखें, इसका वेट देखें, तो इसका वजन एक किडनी का लगभग 120 से लेकर 170 ग्राम जितना होता है, 120 से लेकर 170 ग्राम इसका वेट होता है, और ये ऑलराइट, सो द वेट ऑफ किडनी इज अबाउट 120 टू 170 ग्राम, दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये जस्ट डायफ्राम के नीचे पाए जाते हैं, एंड वन ऑफ द आइदर साइड अपोजिट टू द लास्ट थोरैकिक, जो लास्ट थोरैकिक कैविटी है इसके नीचे, एंड दे आर फर्स्ट थ्री लंबर वर्टिब्रा जिसको हम T12 से लेकर L3 यानी थोरैकिक 12 और लंबर की 3 जो वर्टिब्रा है, यहां पर इसकी पोजिशनिंग पाई जाती है। द 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स प्रोटेक्ट देम, तो 11th और 12th पेयर की जो रिब्स है वो किडनी का प्रोटेक्शन करती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, और ये वाला हिस्सा एक्सटेंड करके यूरेटर का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। द किडनी आर कवर्ड बाय द पेरिटोनियम ऑन द फ्रंट, यानी वेंट्रल पार्ट का जो साइड है किडनी का वो कवर्ड होता है पेरिटोनियम लेयर से, ठीक है, सिर्फ कौन सा हिस्सा, फ्रंट वेंट्रल साइड ओनली, दस दे आर रेट्रो पेरिटोनियल। इन द केस ऑफ मैन द लेफ्ट किडनी अकर्स इन स्लाइटली हायर इन द लिवर, जो लेफ्ट किडनी होती है थोड़ी सी ऊपर होती है देन द राइट वन, ठीक है, उसका रीजन क्या है, बिकॉज राइट साइड हैज अ प्रोमिनेंट राइट लीवर लोब, जो राइट साइड में बिग साइज का लीवर पाया जाता है इसकी वजह से ये पोजिशनिंग में डिफरेंस होता है, यानी दोनों किडनीज एक दूसरे के पैरेलल या बराबर नहीं पाई जाती, स्लाइटली अप एंड डाउन कंडीशन में पाई जाती है। इन द केस ऑफ मैमल्स द किडनी इज कॉनकेव कॉन्वेक्स, एंड द सेंटर ऑफ द कॉनकेव इनर सरफेस इज कॉल्ड हाइलम, ये इनर हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसे हाइलम कहते हैं, एंड विच ग्रो आउट द यूरेटर, तो दिस पोर्शन इज नोन एज हाइलम, इसको हम
हाइलम भी कहते हैं। और यहां से यूरेटर बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम दिस हाइलस सरफेस द रीनल आर्टरी एंटर्स इनटू द किडनी एंड द रीनल वेन्स कम्स आउट। ये देखिए, ये है रीनल आर्टरी जो अंदर आ रही है, और यहां से ये रीनल वेन है जहां से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जहां से रीनल वेन बाहर आती है वहीं से रीनल नर्व्स एंटर करती है आर्टरीज में। तो यहां पर आर्टरी, वेन और नर्वस सिस्टम तीनों की ही सप्लाई होती है। ऑलराइट, नाउ हेडिंग डाल दीजिए नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नाउ इन द केस ऑफ मैमल्स, इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, द किडनीज आर मेटानेफ्रिक, ठीक है। तो कैसी किडनी पाई जाती है? मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी। ऑलराइट, किडनी कैसी होती है? मेटानेफ्रिक होती है। एंड द किडनी इज डिवाइजेबल इनटू टू पार्ट्स। बाहर के हिस्से को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर के हिस्से को मेड्यूला। तो इसको दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर के हिस्से को क्या कहते हैं? मेड्यूला कहते हैं। कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, राइट, दैट इज द डिवीजन ऑफ किडनी।